हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ और मेथड्स, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। और जैसा कि आपको लास्ट असाइनमेंट दिया गया था, उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं। अभी भी मिस्टेक आप कर रहे हो एनर्जी लेवल्स को लिखने के ऑर्डर में। तो आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था, ऑफबाउस डायग्राम। ये डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आपकी ये मिस्टेक जो आप कर रहे हो ये आगे नहीं होगी। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लो बच्चों बनाने के लिए। सिंपल सा डायग्राम है, इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। मैं एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूं तुम्हें। आपको एक लैडर की फॉर्म में एस टी डी एफ जी इस तरीके से चलना है। 6s 6t 6d, 7s 7t 7d। तो हमारे पास अभी तक जो एलिमेंट्स हैं जो हमें पता है वो यहां पर कंप्लीटली फिल हो जाते हैं। तो हम फिलिंग का ऑर्डर स्टार्ट करते हैं 1s से, इसके बाद 2s को भरा जाता है, इसके बाद 2p को, और फिर 3s को भरा जाएगा, इसके बाद 3p और फिर 4s को भरा जाएगा, इसके बाद 3d 4p और 5s को भरा जाएगा, इसके बाद 4d 5p और 6s को भरा जाएगा, 4F, 5D, 6P, 7S and 5F, 6D, 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो चलती है इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते टाइम। तो अगर ये डायग्राम आप बनाना सीख जाते हो तो आप फिर ये मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे जो एनर्जी लेवल्स के ऑर्डर में आप कर देते हो कई बार। एक और चीज, कुछ बच्चे जो हैं वो किसी भी ऑर्बिटल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल कर देते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर s लिखा हुआ है, s का मतलब s सबशेल, s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है बच्चों, जिसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। इस वजह से s की जितनी भी पावर आएगी, चाहे वो 1s है, चाहे वो 2s है, चाहे वो 3s है, चाहे वो 4s है, चाहे वो 5s है, इन सब की मैक्सिमम पावर 2 आ सकती है। मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं s ऑर्बिटल के अंदर, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं। कुछ बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम इस बात का ध्यान रखना है। p की जब बात आती है तो p सबशेल जो होता है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। दीज आर दी ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जब आप लिखोगे तो p शुरू होता है 2 से, 2p, तो 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6। तो मैक्सिमम पावर p की 6 हो सकती है, उससे कम जो है अगर आप रखते हो और नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो तो गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है d सबशेल। डी सबशेल में बच्चों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ऑर्बिटल में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसकी शुरुआत होती है 3d से, तो d की मैक्सिमम पावर 10 हो सकती है। तो d के अंदर मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। फिर आती है f सबशेल की बात। f सबशेल जो है इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो इनके अंदर आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? तो इनके अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो आपके पास 2 f सबशेल होते हैं, 4f और 5f, इनमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, s की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, p की मैक्सिमम पावर 6 हो सकती है, d की मैक्सिमम पावर 10 और f की मैक्सिमम पावर 14। अब देखो बच्चों, कल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, मैंने आपको ये बोला था कि आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो साथ साथ ये बॉक्स वाला डायग्राम और बनाना है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसका सबशेल होता है 1s, और 1s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1s ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर आती है हीलियम की बात। हीलियम में हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन,
दो इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा 1s सबशेल पूरा भरा नहीं है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में चला जाएगा और ओपोजिट स्पिन के साथ पेयर हो जाएगा। लिथियम की बात आती है, एटॉमिक नंबर 3 हो जाता है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s1, s के अंदर पहले तो दो इलेक्ट्रॉन भरो 1s में और फिर अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड, तो मैं आपको ये डायग्राम इसलिए बनाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आगे आपको जब ये बोला जाएगा कि लिथियम के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप ये डायग्राम बनाना आता है आपको तो आप इजीली ये बता सकते हैं कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर मैं कहता हूं बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आप इस डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब आप ये डायग्राम बनाना सीख जाते हो तो आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसीलिए आप इस बॉक्स वाले डायग्राम को एक बार बना के जरूर देखना कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद, ताकि आपको ये हर एक कॉन्फ़िगरेशन में आइडिया रहे कि किस एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितने लिथियम में थे। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर 5। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। अब कोई पूछे कार्बन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आएगा 2, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। कैसे आए 2? p के अंदर हम तब तक पेयरिंग नहीं करा सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। कौन सा रूल कहता है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोली जाती है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें ये बोला गया था आप तब तक पेयरिंग नहीं करवाएंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन में अगर कोई आपसे पूछे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1s, ये 2s और ये हो गया हमारे पास 2p, तो 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन में अगर कोई पूछता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप 1s2 2s2 2p4, अभी p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, तो जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। इसीलिए यहां से हमने 2p को फिल करना स्टार्ट किया था और हम 2p को ही फिल करते जा रहे हैं, तो 2p4 हो गया। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड हो गए, अब कोई खाली ऑर्बिटल नहीं बचा है, अब आप पेयरिंग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4th इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपको साथ साथ ये भी पता चलता जाता है किस एटम में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और किस एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस वजह से बच्चों एक बार ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना आप, इस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा आगे आने वाले कई सारे टॉपिक्स में कि किस एलिमेंट के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब देखो हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कई ऐसे एटम्स होते हैं हमारे पास जिनका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, तो 92 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे, तो अगर हम 1s लिखना शुरू करें तो शायद 2 लाइंस हमारी कंज्यूम हो जाएंगी इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखते लिखते, साथ साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे स्पेस और टाइम को बचाने के लिए एक कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो इसको हम कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन में कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स को, जैसे कि नोबल गैसेस को हमने एक नोटेशन असाइन कर दिया और हमने ये बोला कि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी जगह आप एक सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कि 1s2, ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? हीलियम का। तो हमने ये बोला कि जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा
आप इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दीजिए। तो ब्रैकेट में हीलियम लिखने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 1s2, ये आएगा उसकी जगह। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास हीलियम के बाद में आती नियॉन गैस। नियॉन गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने एक सिंबल दे दिया नियॉन। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन की जगह अगर मैं ये लिख लूं तो ये अंडरस्टूड है कि मैं इसकी बात कर रहा था। ऐसे ही इसके बाद आता है आर्गन का नंबर। आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका मतलब होता है AR। तो हम ये सिंबल यूज करेंगे अब इन कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने की बजाय। और इसके पीछे एक रीजन भी था कि भाई नोबल गैसेस जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो हमने इनको एक नोटेशन जो है उससे रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। आर्गन के बाद में कौन सी गैस आती है बच्चों? तो इसके बाद में हमें मिलती है क्रिप्टन गैस। तो क्रिप्टन गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रिप्टन का? 36, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं इस सिंबल से। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी क्रिप्टन की। क्रिप्टन के बाद में कौन सी गैस आती है? ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आएगा? तो देखो इसका एटॉमिक नंबर था 2, इसका है 10, इसका है 18, इसका है 36, अब आएगा 54, और 54 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। तो काउंट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन 4 6 10 12 18 20 30 36 38 38 प्लस 10 48 और 654। इसको हम बोलेंगे ज़ेनॉन, XE सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो नोबल गैस होती है दैट इज रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 54 में 32 ऐड कर दीजिए, 54 प्लस 32 दैट इज 86। तो 86 कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 के बाद में क्या आया था? 4d10 5p6, फिर आएगा 6s2 4f14, फिर इसके बाद में आएगा 5d10 6p6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये रेडॉन का रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं RN सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास नोटेशंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो हम इन नोटेशंस को अप्लाई करने वाले हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। कोई भी नोबल गैस ऐसी नहीं है जिसका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता हो, तो इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2। तो यहां तक कोई नोबल गैस हमारे पास इससे कम इलेक्ट्रॉन्स वाली नहीं थी। अब आती लिथियम की बारी। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 2s1। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको अगर मैं कंडेंस्ड करके लिखूं तो इसको कंडेंस करके कैसे लिखा जा सकता है? 1s2 की जगह मैं यूज कर सकता हूं सिंबल HE, क्योंकि अभी आपको बताया था HE सिंबल यूज कर सकते हैं इसकी जगह, और ये हो गया 2s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया लिथियम का। बेरिलियम जो है इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है।
इसको मैं लिख सकता हूं He 2s2, ये हो गया कंफिगरेशन। बोरॉन जो है 1s2, 2s2, 2p1, इसको मैं कंडेंस करके लिख सकता हूं He 2s2 2p1। ऐसे ही कार्बन 1s2, 2s2, 2p2, इसको हीलियम 2s2, 2p2। तो ये हो जाएंगे नोटेशंस, ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, हीलियम। तो हीलियम 2s2, 2p6। तो देखो नियॉन जो कि खुद एक नोटेशन यूज किया था हमने, नोबल गैस होती है, इसके कंडेंस्ड फॉर्मूले में इससे पहले जो नोबल गैस आई थी उसको हम यूज कर सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूले में। अब देखो आगे नियॉन के बाद में आगे चलते हैं हम सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन था। अब हमने इसको कौन सा सिंबल दिया था, नियॉन वाला, तो हम यूज कर सकते हैं नियॉन 3s1। तो कंडेंस हो गया। इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय हमने एक सिंबल, एक नोटेशन यूज कर दिया। सोडियम के बाद में क्या आता है, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इसको भी हम कंडेंस करके क्या लिख सकते हैं, नियॉन, और लास्ट में आ जाएगा 3s2। तो ये भी कंडेंस हो गया। मैग्नीशियम के बाद में क्या आता है आगे, एल्यूमिनियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो इसमें इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी जगह हम नियॉन 3s2 3p1 ऐसे लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम के बाद आगे चलते जाओगे आप, नेक्स्ट नोबल गैस जो आती है वो आर्गन आती है। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन किसका था, नियॉन का था, तो हम इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन को, और इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p6। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले जो है वो कंडेंस करने हैं। तो जो भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में, उसको आप कंप्रेस कर दीजिए और इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो बना दीजिए। आर्गन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, पोटेशियम। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। तो देखो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये किसका होता है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो अब मैं लिख सकता हूं Ar4s1। तो फिर से कंडेंस हो गया। तो जब भी कोई नोबल गैस आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, आप नोबल गैस से अगला एलिमेंट जो है उसके फॉर्मूले को कंप्रेस कर सकते हैं उसी नोबल गैस के टर्म्स। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का, तो Ar4s2। कैल्शियम के बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, स्कैंडियम, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, आर्गन का है, तो इसको Ar4s2 3d1 इस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको जो कल आपने एलिमेंट्स लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस करके इस तरीके से जो है वो लिख के प्रैक्टिस करना है, देखना है। चलो अब हम चलते हैं कुछ और बातों के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें यूज करनी है, ध्यान देंगे। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, ये पॉइंट है सम एलिमेंट्स शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा पॉइंट है ये, कुछ एलिमेंट्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा देखने को नहीं मिलता। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ एक्सेप्शनल चीजें दिखाई देती हैं जो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। तो ये जो एक्सेप्शन आया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये किस वजह से आया? ये आता है इस वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड। एक और वर्ड आएगा इसमें, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि आपके पास कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जिसमें कोई ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, मतलब उसके अंदर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, इन एन ऑर्बिटल अगर ये प्रेजेंट हो, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू इन ऑर्बिटल ये प्रेजेंट हो, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो जैसे एस सबशेल है, एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं? तो एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है और इस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एस वन है वो तो आ गया इस स्टेट में, क्योंकि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर आधा फिल है तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसमें होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसे ही अगर एस टू है, एस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मैक्सिमम आप दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के ऑर्बिटल के अंदर फिल किए जा चुके हैं, तो ऐसे केस में भी क्या हो जाएगा? एस टू के केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। और जो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। अब बात करते हैं पी की। पी सबशेल जो है, देखो इसके अंदर पी सबशेल था हमारे पास, जैसे कि 2p है, तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? तीन ऑर्बिटल्स होंगे। इन तीन ऑर्बिटल्स के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन अगर फिल करते हो तो ये हाफ फिल्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस पी ऑर्बिटल के अंदर, या फिर 6 / 2 तीन इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर 2p1 है हमारे पास किसी का कॉन्फ़िगरेशन तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है। 2p2 अगर है तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ना तो ये कंप्लीटली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट में p3 है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो P3 आ गया, मतलब P सबशेल जो है इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स थे और तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी एलिमेंट के अंदर हम जो बॉक्स बनाते हैं, अगर ये बॉक्स हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी उस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप तीन बॉक्स बना रहे हो, अगर ये तीन बॉक्स इस तरीके से हाफ फिल्ड है या फिर ये फुल्ली फिल्ड हो जाए इस तरीके से, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, ये दो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। अगर डी सबशेल बना रहे हो और डी सबशेल में कोई ऐसा एलिमेंट आ गया जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आया D5, या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन आया D10,
तो D5, D10 ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड और ये हाफ फिल्ड। ऐसे ही P3 और P6 ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ऐसे ही F7 और F14 ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है अब किस लिए आ रही है इन कॉन्फ़िगरेशन में, अब हमें इसको भी समझना है। तो देखो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या है, रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब यहां पर क्या है, तो देखो बच्चों कोई भी चीज अगर सिमेट्री में होती है, एनीथिंग विच इज इन सिमेट्री इट इज स्टेबल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर अगर कोई ऑर्बिटल किसी सबशेल का या तो कंप्लीटली फिल्ड हो या वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, इफ एनी ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल इज आइदर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड, देन इट हैज या इट शो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जब ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं या फुल्ली फिल्ड होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरैक्शंस हैं वो सिमेट्रिक होते हैं सभी डायरेक्शंस में, चाहे वो रिपल्शन की बात हो चाहे वो अट्रैक्शन की बात हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है, क्योंकि इनके अंदर सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से हमें एक सिमेट्री मिलती है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में, और इस सिमेट्री की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और इसी वजह से हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखेंगे अभी जिनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शन शो करता है ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन्ड बाय देम। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज को हाफ फिल्ड कर रहे हैं तो हम उसके अंदर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। अगर हम किसी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर रहे हैं तो यहां पर भी एक सिमेट्री की बात होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जैसे एनवायरमेंट में है। तो एक जैसा एनवायरमेंट एक सिमेट्री प्रोवाइड करता है और एक सिमेट्री जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और यही स्टेबिलिटी इन कॉन्फ़िगरेशंस को क्या बना देती है, एक्सेप्शनल। पहला पॉइंट हो गया ये। अब देखो दूसरा पॉइंट आ जाता है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो बच्चों मैंने आपको जब कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा था मैंने आपको एक वर्ड बताया था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जो बराबर एनर्जी के होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अगर जिन ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं जैसे कि 2p सबशेल है तो इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स जो है बराबर एनर्जी के हैं, इस वजह से आप इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी ऑर्बिटल में फिल कर सकते हो, इन सब की एनर्जी बराबर है इस वजह से। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो वो तभी पॉसिबल है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल हो हमारे पास। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स डीजेनरेट थे क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां की बजाय यहां फिल कर दोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर।
ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को आप यहां से यहां फिल कर दोगे, अगर इसको यहां से यहां रिप्लेस करते हैं हम और इसको इधर से इधर डाल दे तो भी इस कंफिगुरेशन पे और इसकी एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर यह देखा जाता है कि आपके पास ऐसे कितने एक्सचेंज पॉसिबल हैं, जितने ज्यादा ऐसे एक्सचेंज पॉसिबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के उतना ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और इस एक्सचेंज को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when the electrons exchange their position in degenerate orbitals is called exchange energy। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो पाएंगे उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और ऐसे केसेस के अंदर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 2p के अंदर ये इलेक्ट्रॉन दो पोजीशन चेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड इलेक्ट्रॉन ये एक पोजीशन चेंज कर सकता है इस तरीके से। तो टोटल यहां पर कितने एक्सचेंज हो गए, तीन एक्सचेंज आ गए। तो तीन एक्सचेंज आए, इस वजह से यहां पर जो एक्सचेंज एनर्जी जो भी होगी उसकी वजह से P3 जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो P4 करके देखते हैं, 2P4 P4 में क्या हो जाता है, चार इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 2P सबशेल के अंदर, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर सकते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, ये बात भी आपको नोट करनी पड़ेगी। ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो यहां पर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्सचेंज पॉसिबल था, एक एक्सचेंज पॉसिबल है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी तो इसके अंदर इसके मुकाबले क्या है, कम स्टेबिलिटी है। जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये सेकंड रीजन था। ऐसे ही अगर हम डी के अंदर देखें तो डी के अंदर क्या होगा, D5 इस कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिए, पांच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ये पांच इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज कर सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से चार एक्सचेंज कर सकता है, तो चार एक्सचेंज हो गए पहले इलेक्ट्रॉन के। दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर इसको देखा जाए तो ये कितने एक्सचेंज कर सकता है, ये तीन एक्सचेंज कर पाएगा, तो इसके तीन एक्सचेंज हो गए। कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर यहां पर एक्सचेंज क्यों नहीं किया, तो ये ऑलरेडी हम यहां पर कंसीडर कर चुके हैं, इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज अगर करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एक बार हम काउंट कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज नहीं किया। अब देखो तीसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं चौथे के साथ और पांचवे के साथ, तो दो एक्सचेंज किए आ गए। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ही उसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम पांचवे के साथ, तो एक एक्सचेंज किया आ गया। तो टोटल कितने एक्सचेंज हो गए, 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा एक्सचेंज कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा, D5 में। अगर D4 के अंदर आप एक्सचेंज देखते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम। D4 ले लो या D6 ले लो, इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज सेम रहेंगे। तो मान लो जैसे कि हम D6 ले लेते हैं तो D6 में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, तो आपके ये वाले एक्सचेंज अब काउंट नहीं होंगे। तो आपके पास टोटल कितने एक्सचेंज बनेंगे D6 के अंदर या D4 के अंदर, 3, 2 और 1, मतलब 6 एक्सचेंज पॉसिबल। तो जितने कम एक्सचेंज उतनी ही कम एक्सचेंज एनर्जी और जितनी कम एक्सचेंज एनर्जी उतनी ही कम स्टेबिलिटी।
तो ये दो पॉइंट थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहां पर लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले करते हैं एस ब्लॉक की बात। एस ब्लॉक मतलब पहला जो एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आपको जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, 1s1, हीलियम, 2s1, नियॉन, 3s1, आर्गन, 4s1, क्रिप्टन, 5s1, ज़ेनॉन, 6s1, रेडॉन, 7s1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स। ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है जो शुरू होते हैं बेरिलियम से, इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई पूछता है हीलियम 2s2, नियॉन 3s2, आर्गन 4s2, क्रिप्टन 5s2, ज़ेनॉन 6s2, रेडॉन 7s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं और इनमें कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में देखो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी आपको कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता, नो एक्सेप्शन। तो जैसे अभी हमने एस ब्लॉक का देखा, उसी तरीके से पी ब्लॉक का भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हो। मैं एक लिख के देता हूं एग्जांपल, ग्रुप नंबर 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसके बाद आता है अनट्राइलियम, यूयूटी। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा हीलियम 2s2 2p1, नियॉन 3s2 3p1, आर्गन 4s2 4p1, क्रिप्टन 5s2 5p1, ज़ेनॉन 6s2 6p1, रेडॉन 7s2 7p1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्रुप नंबर 13 का। 14 में जाओगे तो यहां पर आ जाएगा p2, 15 पे जाओगे तो यहां पर आ जाएंगे p3, आगे का ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हारे पास 18 जब आएगा तो नोबल गैसेस आएगी तो p6 हो जाएगा। तो ये पी ब्लॉक के अंदर भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। एक्सेप्शन कहां मिलते हैं? एक्सेप्शन मिलते हैं हमें एस और पी के बीच में, मतलब डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक हम बाद में डिस्कस करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के एक्सेप्शन। सबसे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज आती है वो होती है 3D सीरीज, कैंडियम से लेके और जिंक तक। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कल जो असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने एटॉमिक नंबर 30 तक लिखने के लिए बोला था कॉन्फ़िगरेशन। हम शुरू करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। पहले हम इनकी बात करेंगे। 21 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, 25, 26, 27, 28। इसका कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो स्कैंडियम आता है कैल्शियम के बाद में, और कैल्शियम जो है आर्गन 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन था कैल्शियम का। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, आर्गन 4s2 ये कैल्शियम हो गया। इसके बाद में आता है 3d1, d1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका। टाइटेनियम पे जब जाएंगे तो आर्गन 4s2 3d2, यहां पर भी कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। वेनेडियम पे जाएंगे 4s2 3d3, तो यहां पर हमें 4s दो इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर, d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, एक इलेक्ट्रॉन। यहां पर गए तो 4s और 3d2 दो इलेक्ट्रॉन्स,
यहां गए तो 4s और 3d3, तो ये 4s है और ये 3d है, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन जब क्रोमियम पे जाते हैं तो क्रोमियम के केस में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन s से d में जंप कर जाता है इस केस में। तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपने कल असाइनमेंट में बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने ये लिखा था कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d4। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन देखो अभी हमने ये देखा था कि अगर पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम में तो उसके अंदर एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हमें अच्छा दिखाई देगा ये कि सभी के सभी ऑर्बिटल्स जो है उनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सचेंज करेंगे। ये दोनों ही चीजें किसको सपोर्ट करती है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस वजह से क्रोमियम के केस में आप जो सोच रहे थे कि ऐसा आना चाहिए, ऐसा आता नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था जो आप सोच रहे थे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये s का एक इलेक्ट्रॉन इस खाली ऑर्बिटल में चला जाता है ज्यादा सिमेट्री और ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होने के कारण। सभी चीजें स्टेबल होने की कोशिश करती हैं, यहां ध्यान रखना नेचर में जितनी भी चीजें हैं सब स्टेबल होना चाहती हैं। स्टेबिलिटी जहां मिलेगी चीजें उसी तरफ जो है वो ओरिएंट हो जाती है। तो क्रोमियम जो है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दे तो, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसी वजह से इजीली 4s से 3d में भेज देता है ताकि ज्यादा स्टेबल हो जाए। जब ये ऐसा कर देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 3d5। तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 के बाद सीधा क्या आ गया, 5 आ गया, 4 गायब है। अब देखो इससे अगला एलिमेंट जो है मैंगनीज, इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s में। तो अब ये तो क्रोमियम के केस में हुआ, क्रोमियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर कर लिया। मैंगनीज क्या करता है, मैंगनीज अपना जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने अनपेयर कर लिया था इसको पहले पेयर अप करता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s2 3d5। तो यहां पर दो बार 5 रिपीट होता है पहली ट्रांजिशन सीरीज में। आयरन जो है इसके केस में आर्गन 4s2, अब आ जाएगा 3d6। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, अब पेयर करवाने शुरू करने पड़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। कोबाल्ट इसी तरीके से आर्गन 4s2 3d7। तो यहां पर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बचेंगे कोबाल्ट के केस में। निकल के केस में क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d8। तो इसमें हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, निकल के बाद में क्या आता है, कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, आर्गन 4s2 3d9, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए कॉपर का। अब देखो कॉपर के अंदर क्या होता है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है d के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए तो d जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और कंप्लीटली फिल्ड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर क्या करता है, अपना यहां भेज देता है और इसको कर देता है पेयर, ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाए, 4s1 3d10। अब s तो हो गया हाफ फिल्ड और d हो गया फुल्ली फिल्ड, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई और इसी वजह से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो है जो आप सोच रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे डिफरेंट रहता है। तो दो एक्सेप्शन आ गए कल जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे इसके अंदर। क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन आ गया क्योंकि इसको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजीली मिल रहा था। कॉपर के केस में एक्सेप्शन आ गया क्योंकि इसको फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे स्टेबिलिटी मिल रही है।
तो इस वजह से कॉपर और क्रोमियम ये दो एक्सेप्शन आप याद रखना पहली ट्रांजिशन सीरीज में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं है बल्कि उससे डिफरेंट है। कॉपर के बाद में क्या आ जाता है, जिंक, एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसके केस में क्या होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो वो 4s में चला जाएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा ये। तो इसके अंदर सारे के सारे फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिला, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है जैसा हम सोच रहे थे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एक्सेप्शन। तो कल जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे उसमें आपको दो करेक्शन और करनी है। मोस्टली सभी बच्चों ने जो है वो एक्सपेक्टेड लिखा था 4s2 3d4, यहां पर आप लिख रहे थे 4s2 3d9। तो आपने जो लिखा था वो एक्सपेक्टेड था, बल्कि एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये रहता है। सो प्लीज मेक अ करेक्शन इन दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे थे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।